वन ग्रीटिंग्स फॉर द डे डॉक्टर अनु फ्रॉम पंजाब। आज हम एक बहुत बढ़िया एक 17 साल के बच्चे का केस डिस्कस करते हैं जिसको उसके मदर द्वारा मेरे पास लाया गया था। उस बच्चे को कुछ इश्यूज आ रहे थे, बिहेवियर प्रॉब्लम वी कैन से, कि उसके मदर ने बताया कि 10th तक ये बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट था और काफ़ी एम्बिशियस भी था कि उसने CA करनी है, लेकिन अब ये बच्चा 11th में है। जो उसकी मेन कंप्लेंट थी, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज, एंगर इश्यूज, इरिटेबिलिटी एंड लैक ऑफ एपेटाइट, ये उसके मेन इश्यूज थे। ये बच्चा अपने मदर के साथ हमारे पास क्लिनिक में आया था। जब मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या बात है, क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या, क्योंकि यूजुअली 10th के बाद बच्चे नए स्कूल में जाते हैं, कि क्या आपको वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई या टीचर्स पसंद नहीं आए या समझ में नहीं आ रहा, तो उस बच्चे ने मेरे को बताया कि नो डॉक्टर साहब, नथिंग लाइक दैट, मेरी और मेरे घर वालों की सोच में ही बहुत फ़र्क है। जब हमारी सोच ही नहीं मिलती तो पढ़ने का क्या फ़ायदा, मैं कुछ और बोलता हूँ ये मुझे हमेशा गलत ही समझते हैं, इनको जो भी मैं कुछ बोलता हूँ हमेशा गलत ही लगता है। देन मैंने उसके मदर से पूछा कि आप बताइए, तो उन्होंने मेरे को बताया कि डॉक्टर साहब, जब हम सब घर वाले रूम में बैठे होते हैं तो ये लॉबी एरिया में आकर बैठ जाता है, और जब हम TV वगैरह देख रहे हैं लॉबी में आते हैं तो ये अपने रूम में चला जाता है। इस टाइम IPL के मैचेस चल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये IPL का इतना ज़्यादा बच्चा शौकीन था कि जब भी मैच होते थे तो ये, मतलब अगर दिन में 2 मैचेस भी हैं तो दोनों भी देखता था, लेकिन अगर अब हम मैच देख रहे होते हैं तो इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई मैच नहीं देखता, किताब को तो हाथ लगाए से महीनों ही बीत गए हैं। तो मैंने उसके स्वभाव के बारे में, नेचर के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि छोटी बहन है, अगर वो इसको छेड़ाछाड़ी करती है जैसे यंगर सिबलिंग करती है तो डायरेक्ट उसको थप्पड़ लगाता है, तो उसको ये मारता है। दिस वॉज द केस। प्लीज फर्स्ट रूब्रिक विच आई कंसिडर्ड इन दिस केस वॉज डिल्यूजन, डिविजन बिटवीन हिमसेल्फ एंड अदर्स। एज द पेशेंट सेड कि मेरे और मेरी फैमिली की सोच में बहुत फर्क है। वॉट इज डिविजन? डिविजन इज सेपरेशन ऑफ हिमसेल्फ एंड द अदर्स। Who are others? Others here are the his family members. ऐसे usually ऐसे सारे विचार तो हमारे और हमारी फैमिली के नहीं मिलते, लेकिन this is morbid here. पेशेंट को लगता है कि जो मैं बोलता हूँ वो मेरे पेरेंट्स को हमेशा गलत ही लगता है, कि तो फिर अब पढ़ने का क्या फ़ायदा है। The second rubric which I considered was the estranged from family. Estranged means no longer in contact with those who was near to him once. As the mother said कि अगर हम रूम में बैठे हैं तो ये लॉबी एरिया में आकर बैठेगा, अगर हम लॉबी एरिया में बैठे हैं तो ये रूम में जाकर बैठ जाता है। थर्ड रूब्रिक विच वॉज वेरी क्लियर इन दिस केस वॉज द इनडिफरेंस प्लेजर टू। जो IPL मैचेस जिन्हें देखकर उसे पहले बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती थी, अब ये बच्चा उन्हें भी नहीं देख रहा है। द फोर्थ रूब्रिक वॉज बिजनेस एवर्शन टू। बिजनेस फॉर अ स्टूडेंट वी कंसिडर इज पढ़ाई, एंड द पेशेंट इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन हिज स्टडीज। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट रूब्रिक विच आई कंसिडर्ड वॉज स्ट्राइकिंग एंगर फ्रॉम। जब उसकी सिस्टर उसे इंसाइट करती है या छेड़ाछेड़ी करती है, तो मदर ने बताया कि डायरेक्ट ही उसे गुस्से में आकर थप्पड़ मारता है। तो इस केस में मैंने नेट्रम कार्ब 200 से स्टार्ट किया, देन नेट्रम कार्ब 1 mm, एंड द लास्ट पोटेंसी वाज नेट्रम कार्ब 10 mm। अब हम थोड़ी सी इस केस में मैनेजमेंट की भी बात करेंगे। सबसे पहले ऐसे केसेस में जब यंग बच्चों को इश्यूज आते हैं तो हमें पेरेंट्स को भी काउंसिल करना चाहिए कि अगर इसे लगता है कि आपके विचार और इसके विचार नहीं मिल रहे, तो हर बार आप उसे गलत मत बोलिए या अपने बात करने के ढंग को बहुत ज़्यादा पोलाइट कीजिए। एंड अब हम मेडिसिन की बात करते हैं। नेवर एक्सपेक्ट द फ्रीक्वेंट रिजल्ट इन दीज टाइप ऑफ केसेस,
एंड ऑलवेज एडवाइज द पेरेंट्स टू सी द माइनर चेंजेस, नहीं तो हम भी डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि हमारी मेडिसिन राइट नहीं है और फ्रीक्वेंट हम मेडिसिन को चेंज करेंगे। जो जब भी आप ऐसे केसेस में मेडिसिन या पोटेंसी की सिलेक्शन करते हैं तो सारी पोटेंसीज ही एग्जॉस्ट करनी चाहिए और पेरेंट्स को माइनर चेंजेस के बारे में कि अगर 5 मिनट भी आपके साथ बैठा वो भी मुझे बताइए, कुछ खाना इसने डिमांड किया या बाहर से कुछ खाना मंगवाया, अच्छे से खाया या आपके साथ किसी गैदरिंग में गया, कोई घर में गेस्ट आया उनके साथ ये कैसा बोला, कैसा इसने बिहेव किया, आपने कुछ पूछा, कैसा उसने बिहेवियर अपना दिखाया, छोटे छोटे माइनर चेंजेस आप नोट करिए और डॉक्टर को बताइए, नहीं तो मैं फ्रीक्वेंट मेडिसिन चेंज करूंगी और कहीं वेल सिलेक्टेड रेमेडी पीछे ना छूट जाए, ये आपको एडवाइस करना ही होगा। ऐसे केसेस में मेडिसिन सिलेक्शन के साथ जो मैनेजमेंट ऑफ द केस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू एवरीवन।